صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البخاري شريف باب القبلة جاري और आज इसमें जो बाप हम पढ़ेंगे उसका उनवान है माज़ जया आफी कबलात कबला के मुतिक जो कुछ मनकूल है वो मल्लायाद जिसने ये जरूरी ना समझा कि नमाज दोहराई जाए अला सहा कि जिसने गलती से किसी गलती की बिना पे फला गैर कबलत गैर कबला की तरफ नमाज पढ़ ली यानी किबला से रुख फिरा हुआ था और नमाज पढ़ ली तो उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि यादा जरूरी नहीं और दलील लाए हैं इस बाब में वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ुहर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की दो रकतों के बाद सलाम फेर कर वकबला से बेवच यही अपना रुख लोगों की तरफ कर लिया था सुब आतम मा बकिया फिर जो बाकी रह गई थी नमाज उसको पूरा किया तो इस ये जो उनवान है उसका बाब का इसका मंशा ये है कि इमाम बुखारी का मंशा यह है कि किबला नबी करीम अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ से रुख फेर लेने के बावजूद नमाज के अंदर थे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने यह ना समझा कि नमाज जो है वो खत्म होगी और नमाज से बाहर नहीं थे इसलिए जब आपको मालूम हुआ कि गलती से जोहर की दो रुकतों के बाद सलाम फेर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अदा की हुई नमाज को फासिद करार नहीं दिया और बकिया नमाज की तकमील कर ली यानी उनका जैसे हम पिछले हिदीस में भी पढ़ चुके हैं कि ये पहले ख्याल था कि नमाज के दौरान अगर कोई गुफ्तु भी कर लेता है और रुख भी फेर लेता है तो अगर कोई से गलती हो गई है तो उसके बाद वो सजदा साहब कर सकता है जैसे पिछली हदीस में यह था कि गलती से चार की बजाय पांच रखते पढ़ लें या तीन पढ़ लें यानी ये जो बयान कर रहे थे हदीस उन्होंने ये फरमाया कि मैं मालूम नहीं कि उसमें कमी की थी या ज्यादी की थी रुख फेर लिया था सहाबा से गुफ्तगू करने लग गए तो फिर वापस मुड़ के एक रकत अदा कर ली थी यहां भी इसी तरह का वाक है कि दो रखते पढ़ के सलाम फेर दिया था जब एहसास दिलाया गया कि आपने तो दो ही रक्तें पढ़ी हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस किबले की तरफ रुख किया और दो रखते पूरी कर ली यानी उससे दरमियन का जो वक्फ़ा था उसमें रुख किबले की तरफ से हट गया था लेकिन उस वक्त के रूल्स के मुताबिक आप नमाज के अंदर ही थे और नमाज को बातिल करार नहीं दिया यानी उस वक्त अभी नमाज में बात करना या रुख फेरना भी इतना इसको फासिद नहीं करार दिया गया था बातचीत करने को तो इसलिए नमाज के अंदर ही रहे और फिर से दो रखते पढ़ के सलाम फेर दिए तो ये वैसे इसकी तफसील जो है फूक की नमाजों से पढ़ ली जाए यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि अगर रुख गलती से किसी को फेर ले और उससे ख्याल ना हो के कि यानी उसे सही मालूम ना हो के किबला किधर है और अपनी तरफ से वो किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है बाद में पता चला कि किबला नहीं था वो तो बाद जो है उनका ख्याल ये है कि नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है वो नमाज हो जाएगी तो बाप का उन्वान तो ये वाला है और आगे जो हदीस है ये हदीस जो है इस बाब में तीन हदीस हैं जिसमें से पहली हदीस आज जो हम पढ़ेंगे और अगली दो हदीस जो है वो अगले दर्स में आएंगी हदीस नंबर तीन सौ चौरानवे है ये और इसमें जो हदीस है हज़रत अनस रजील तु से रिवायत है कला फरमाते हैं कलर नबी करीम सल हजरत उमर रजील तन फरमाते हैं सलास मैंने तीन मौके पर अपनी अपने रब के मुआफ़ की अच्छा जो लफ्जी तर मतलब जो वाकया है वो आगे थोड़ा फर्क है यानी बात तो यूं है कि यूं कह सकते थे कि मेरे अल्लाह ने मेरी मुआफ़त की लेकिन वो अपनी तरफ उसको मनसुख कर रहे हैं तफसील अभी हम पढ़ते हैं इसकी कि मेरे रब ने मैंने अपने रब की तीन मौाक पर मुआफ़त की फकुल तो यारसोल्ला लवि तखसन में मुकाम इब्राहिम सलाम के या के काश हम मुकाम इब्राहिम को मसल्ला बना लें मकसद क्या है कि रुख हमारा की तरफ हो जाए व में तो ये आयत नाजिल हो गई के मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ ये सुरतुल्बकर की आयत है और फिर दूसरी उनकी जो बात तो अपनी कह रहे हैं आयतुल हिजाब है कि हिजाब की आयत के बारे में फरमाते हैं कुल तो मैंने कहा यार है, लो सुल्लाह लोअमरताज के आप अपनी औरतों को हुक्म दें काशप अपनी औरतों को हुक्म दें कि वो पर्दा कर हो लेना के उनसे हर तरह के नेक और बुरे लोग जो हैं वो कलाम करते हैं फनाज आयतुल हिजाब तो आयत हिजाब नाजिल हो गयी वसा उन नबी सल फी गते और, और नबी करीम सलम की बीवियां जमा हो गई गैरत या यू कह लें कि उन्होंने कोई इकट्ठ कर लिया मुख्त जज्बात के तहत ये वाक हम पीछे पढ़ चुके हैं जब नबी करीम सल वसम ने एक माँ के लिए अला भी किया था अपनी अः महातमिन से उसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं फकुलन्नों तो मैंने उनसे कहा

मरियम जो है वो भी इस बारे में बयान करते हैं अखबार अयुब के हमूब ने खबर दी हदस ने कहा समय तो अनसा भी हमने भी को ऐसे कहते सुना है यानी ये दूसरी सनद है इस हदीस की जो ये लाए हैं पहली हदीस नंबर तीन सौ तिरानवे थी और ये जो दूसरी सन्त के साथ है ये तीन सो चुरानवे बन जाती है हदीस एक ही है अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे बाप तो ये है कबले की तरफ मुंह करने का लेकिन इसके साथ और चीज़ें इजाफी हो गई हैं हजरत उमर के बारे में हजरत उमर रजील्ला तु का अपना बयान जो आता है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी फ़रासत अता फरमाई थी इतनी समझ अता फरमाई थी कि बहुत मौक़ों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई राय दी और उसी तरह की आयात जो है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गई तो वो कहते हैं वाफक तो रब्बी फी सलास कि मैं अपने परवरदगार के साथ तीन बातों में मुआफ हो गया यानी मुआफिक तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने उनकी राय की तायद की और आयात नाजिल हो गई लेकिन वो बार इसको अपनी तरफ नहीं मनसूब करते बल्कि अल्लाह की तरफ खुद को मनसूब करते हैं और यहाँ पे उन्होंने तीन चीजों का जिक्र किया है एक तो के जो उन्होंने फरमाया था कि हम मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लें तो अल्लाह ने उनही अल्फाज में आयत नाजिल फरमा दी व तजु में मुकाम इब्राहिम मुसल्ला और दूसरी आयत जो आयत हिजाब है फरमाते हैं कि नबी करीम के घर में हर तरह के लोग आते थे तो उन्होंने कहा नबी करीम से कि काश आप अपनी अजवाज को पर्दे का हुक्म देते तो आ, आयत हिजाब जो थी वो बाद में नाजिल हो गई और अल्लाह ने फरमायासूरत की आयत नंबर तिरपन का हिस्सा है ये कि वह एजासम के जब आग आग औरतों से कोई चीज़ मांगनी हो आपको मर्दों को फसू हिजाब तो उनसे पर्दे के पीछे से मांगा ये या या मर्दों के लिए नाजिल हुई और औरतों के लिए भी नाजिल हुई मर्दों के लिए हुकमता वह बरह रास्त औरतों के से बात इस तरह यानी बगैर हिजाब के जब दरमियन में पर्दा ना हो तो उन्हें मुखातिब ना करें और यानी औरतों का एक एहतराम और उनके लिए एक इज्जत की बात थी तो उन घरों पे पर्दा लटक गए नबी करीम अलैहि वसल्लम के घर पे पर्दा लगा कि जो कोई उनके घर आएगा जिस तरह का शख्स कोई अच्छा हो बुरा हो उसके लिए जरूरी होगा कि वो पर्दे के पीछे से आवाज दे क्योंकि उस दरवाजे नहीं थे और बेल्स नहीं लगी होती थी जैसे आज की घंटी बजाए और घर के अंदर आ जाए या टेलीफोन नहीं थे ऐसी सहूलते नहीं थी नबी करीम वसल्लम का जो घर था और हुजरे मुबारक थे साहब महातुल महातुलममिन के हमें मालूम है कि किस तरह के कच्चे घर थे और कोई दरवाजे और खिड़कियां उनके अंदर नहीं होती थी तो दरवाजों के बजाय लकड़ी या लोहे के दरवाजे लगने की बजाय उनके ऊपर पर्दे लटका दिए गए कि जिसको आना हो वो डायरेक्ट अंदर ना घुस जाए और ना सामने आके आवाज़ दे बल्कि पर्दे के पीछे से वो आवाज देगा और फिर उससे बात की जाएगी और अल्लाह ने यह फरमाया था कि ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकिजगी के लिए ज्यादा बेहतर तरीका है यानी ये हुक्म जो था दुनिया के बेहतरीन मर्दों को दिया गया किसके बारे में दुनिया की बेहतरीन औरतों के बारे में ना उनसे ज्यादा किसी के दिल पाकिजा थे ना उनसे ज्यादा कोई तरबियत याफ्ता था ना उनसे ज्यादा कोई ईमान वाला था लेकिन उन बेहतरीन ईमान वाले रोल मॉडल्स के लिए भी ये हुक्म था कि अगर मर्दों और और औरतों को आपस में बात करनी हो तो वो पर्दे के पीछे से करें क्योंकि इससे उनके दिल ज्यादा पाकिजा रहेंगे कि जब औरतें और मर्द मखलूत नहीं होंगे महरम और ना महरम का फर्क बाकी रहेगा तो दिल ज्यादा पाकिजा रहेंगे जितनी आंखें जो हैं वो ना महरमों को देखती हैं खा मर्द औरतों को देखें या औरतें मर्दों को देखें उतने ही दिल जो है और दिलों का खुशबू और ईमान जो है वो मुतासर होता है तो इसमें कभी कभी सोच आती है कि अगर आज हज़र तुम रज जिंदा होते तो वो क्या हुक्म देते आज जितनी मखलूत मजालस हैं जिस तरह के को एजुकेशन है इदारों के अंदर अख्तिलात है और सड़कों पर हर जगह पे हम देखें और औरत की जो बेपर्दगी है और घरों के अंदर के और घरों के बाहर के जो हालात हैं तो इन हालात के लिए ए जो है वो क्या होते अगर नबी करीम सल रुमर रजील्ला तु जिंदा होते और इस माहौल में होते तो हमें आज खुद इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए बहरहाल यहाँ हजरतुमर रज ती अः कह लें कि एक बयान कर रहे हैं अपनी तरफ से एक उनकी जो अल्लाह तला की तरफ से एक खसूस खसूसियत खसूसियत हासिल हुई थी कि उनकी राय जो है वो अल्लाह की राय के मुआफिक हो जाती थी और जो कुछ वो सोचते थे अल्लाह ताला उसी तरह से आयत नाज़िल कर देता था फिर एक और जो वो बता रहे हैं कि वजनबी सल्लाम फिर गैरत अल के एक दफ़ाबी सल्लम की बीवियां जमा हो गई आपके पास और उन्होंने नफका का मुतालबा किया तो उस वक्त हजरत मज़ील्ला नबी करीम सल वम से बहुत रंजीदा हुए थे तो हजरत रजील्ता ने फरमाया कि जाके बीवियों से कहा कि आप लोगों ने इस तरह नबी करीम सलीम को तकलीफ़ दी है तो ऐसा हो सकता है कि अगर नबी करीम सल आपको तलाक दे, दे दें तो अल्ला आपकी बजाय ज्यादा बेहतर बीवियाँ भी उनको अता कर दे तो यह आयत इसी तरह से कुरान के अंदर नाजिर होगी कि असारमिन तहरीम की आयात आयत है तो क्या हो सकता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे दें आपको तो अल्लाह बेहतर बीवियाँ भी जो ज्यादा अच्छी मुस्लिम मोमिन फरमाबरदार और तौबा करने वाली होंगी वो अता फरमा दे तो ये तीन मौाक़े हैं जिनकी मवाफ़त हज़रतमर रज्ला तु ने कही लेकिन इसकी मैं तफसील पढ़ रही थी तो पता चला कि ये बहुत सारे मौाक़े हैं बाज़ ने इसको पच्चीस मरतबा लिखा है कि पच्चीस आयात ऐसी हैं या पच्चीस मौाक़े ऐसे हैं कि जिन में हजरत उन्होंने की मवाफ़त की गई और बाज़ में पंद्रह का जिक्र किया गया है जैसे कुछ कुछ यहाँ पे तफसील लिखी है हमारे पास के गजा बदर के कैदियों के बारे में नबी करीम सल्मा तो बकरीक की राय जो थी वो फिदिया लेने की थी जबकि हज़रतमर की राय थी कि फिदिया ना लिया जाए और इन सब को कत्ल कर दिया जाए और इसी तरह से अह बदर बारे के, आ, के बारे में के मुनाफीन के बारे में कि उनके नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए तो ये भी आयत नाजिल होगी कि मिन के इनमें से कोई मार जाए तो आप बिल्कुल उसकी कब्र पे खड़े ना हो और ना उसके लिए नमाजे जनाजा पढ़े इसी तरह से जब यह आयत नाजिल हुई कि इंसान अमिन ममिन उनकी आयत है कि हमने इंसान को मट्टी के साथ से पैदा किया और अगर तफ़ी आई इस आयत की बहुत खूबसूरत आयत है कि मुख्त मरल अल्लाह तख्ली के बयान किए हैं तो बे अख्तियार हजरत मरजिला फरमाया फ्ल हसनक़ी के आ, यानी बहुत बाबरकत है हमारा अल्लाह जिसने इतनी अच्छी तख्लिक हैं तो इस पर भी ये आयत इन्हीं अल्फाज में नाजिल हो गई फिर हजरत मज़िल्ला को शराब के बारे में था कि भाई इसको बंद कर दिया जाए इसको हराम करार दिया दिया जाए तो उसकी हरमत भी नाजिल हो गई तो इस तरह के बहुत से मौाक़े हैं तो बाज महदसिन ने इसको बारह मौा लिखे हैं बाद ने पंद्रह लिखे हैं और बाद ने पच्चीस मौाक़े लिखे हैं तो बहरहाल ये बाप तो मेन इसमें इस आया है कि की ख्वाहिश थी कि मुकाम इब्राहिम का मसल्ह बनाया जाए तो अल्लाह अल्ला ने हुक्म दे दिया में मुकाम इब्राहिम मसल के मुकाम इब्राहिम को मसल बना लें और बाकी तफसील जो मौजूद था उसके मतलब दो अदिसे इनशाला हम अगले दरस में सुनेंगे आखिर दामा अनिल